दुनिया में 5 ऐसे देश हैं जहां लड़कियां इतनी ज्यादा हैं कि लड़कियों को यहां शादी करने के लिए लड़के नहीं मिलते। इन देश में जिधर भी नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ हुसन की परियां ही नजर आएंगी और इन परियों की खूबसूरती देखकर आप दिल हार जाओगे। जहां हमारे देश में लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही, वहीं इस देश में लड़कियों को शादी के लिए लड़के नहीं मिलते। तो चलिए चलते हैं इन देशों में। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस कंट्री से हैं। नंबर 1 पर है नीदरलैंड। इस देश में भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसा पाया गया है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही आसानी से पढ़ जाती है। जहाँ इंडिया में लड़कों को कई साल लग जाते हैं तब जाकर कहीं एक लड़की पढ़ती है, लेकिन यहाँ आसानी से लड़की पढ़ जाती है। एक फैक्ट ये भी है कि नीदरलैंड में दुनिया भर का सबसे ज्यादा रेड लाइट एरिया भी है। इसके साथ ही यहाँ की लड़कियाँ खुद ही लड़कों को इम्प्रेस करने में लगी रहती है। यहाँ के टोटल पॉपुलेशन में 53% अकेली लड़की है, जो काफी ज्यादा है। नंबर 2, लातविया। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जिसे कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इस छोटे से देश में 12,000 से ज्यादा नदियां बहती है। इतना ही नहीं, इंटरनेट स्पीड के मामले में भी ये काफी आगे है। लेकिन आज हम यहाँ लड़कियों के बारे में बात करेंगे जो कि हद से ज्यादा खूबसूरत है। इस देश की कुल आबादी सिर्फ 19 लाख है और इसमें 54% से ज्यादा महिलाएं हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 46% ही है। यानी कि यहाँ की हर 100 महिलाओं में से 8 के पास शादी करने के लिए लड़के ही नहीं है। लेकिन इस देश की खास बात यह है कि यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के कंपैरिजन में ज्यादा ही नहीं है, बल्कि दुनिया के बाकी कंट्रीज की लड़कियों के मुकाबले काफी खूबसूरत भी है। इन लड़कियों की स्माइल पर बड़े बड़े सख्त लौंडे भी पिघल जाते हैं। और इस देश की लड़कियों ने पहली बार जीन्स पहनना शुरू किया था। वैसे ये देश अपने लेट नाइट पार्टीज के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। दुनिया भर से लोग यहाँ जिंदगी जीने के लिए आते हैं। नंबर 3, लिथुआनिया। दोस्तों, लिथुआनिया एक ऐसा देश है जहाँ लड़कियाँ इतनी ज्यादा है कि लड़कियों को यहाँ शादी करने के लिए लड़के नहीं मिलते। हो सकता है बातें सुनकर आपका मन भी वहाँ जाने का कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि पहले इस देश के बारे में तो जान लीजिए। आपको बता दें, इस देश में लड़कियाँ इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर 100 लड़कियों पर सिर्फ 87 लड़के हैं। यानी 100 में सिर्फ 13 लड़कियों को यहाँ जिंदगी भर सिंगल रहना पड़ता है। स्वीडन और नॉर्वे के बीच में बसा है ये देश। इतना खूबसूरत है कि यहाँ लड़कियों की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ की लड़कियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी आंखें होती हैं, क्योंकि इस देश की लड़कियों की आंखें देखने में काफी रंग बिरंगी कलर्स की होती है। इस देश की क्लाइमेट कुछ ऐसा है कि यहाँ की लड़कियाँ काफी उम्र की होने के बावजूद भी जवान लगती है। नंबर 4 पर है ब्राजील। दोस्तों, ब्राजील के एक गाँव में लड़कियों को शादी करने के लिए तरसना पड़ता है। कुंवारे लड़के ना मिलने की वजह से इन्हें शादीशुदा लड़कों से शादी करनी पड़ती है। कई लड़कियां तो कुंवारे लड़कों के चाहत में जीवन भर कुंवारी रहती हैं। ब्राजील में बसे इस गांव में 18 से 30 साल की लड़कियों की भरमार है। तकरीबन 600 महिलाओं की आबादी इस गांव में है, जिसमें से 300 से ज्यादा लड़कियों को शादी के लिए लड़का नहीं मिल पा रहा। यहाँ के लोगों की ऐसी सोच है कि जिस लड़के से लड़की की शादी होगी, वो लड़का शादी करने के बाद उनके साथ भी रह सकता है। उसके लिए उन्हें घर, गाड़ी, सब कुछ मिलेगा, तो कौन कौन जाना चाहेगा। नंबर 5 पर है रशिया। रशियन लड़कियाँ कितनी खूबसूरत होती है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन एक बात तो बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लड़के इतने कम हैं कि इस देश की लड़कियाँ दूसरे देशों में जाकर शादियाँ कर रही हैं। अगर भारत की बात करें तो रशिया से भारत घूमने आई सारी लड़कियों ने इंडियन लड़कों के साथ शादी की है। यहाँ की लड़कियाँ कितनी खूबसूरत है ये तो हर कोई जानता है, और ये लड़कियाँ ओपन माइंडेड भी होती हैं। एजुकेशन के मामले में भी रशियन लड़कियाँ सबसे आगे हैं। हालांकि यहाँ एक गलत चीज देखने को ये मिलती है कि यहाँ बहुत सी लड़कियाँ दूसरे देशों में जाकर जिस्म फरोशी का धंधा भी करती है, क्योंकि लड़कियाँ इतनी खूबसूरत है कि इन्हें हर जगह बहुत पसंद किया जाता है और इस काम से इन्हें अच्छे खासे पैसा भी मिल जाता है।